जल्दी से आओ। देखना उनको बराबर इसमें देख। यस सर। कुछ मत करो, देख करो उसको। अस्सलाम वालेकुम। पाया न जब सहारा ऐ दो जहां के मालिक, आया न जब सहारा ऐ दो जहां के मालिक, पाया न जब सहारा ऐ दो जहां के मालिक, मैंने तुझे मालिक, ऐ दो जाके मालिक, मगमोम हूँ बदल दे, अब तू मुसलमान से, मगमोम बदल दे, अब तू मुसलमान से, तकदीर का सितारा, तकदीर का सितारा, ऐ दो जा के मालिक, मखलूक की अज़ियत, मखलूक की मुसीबत, मखलूक की अज़ियत, मखलूक की मुसीबत, तुझको है कब गवारा, तुझको है कब गवारा, ऐ दो जाके मालिक, ऐ दो जाके मालिक, घर दूर ना कुदाए, शाम तेरी पाए, घर दूर ना कुदाए, शाम तेरी के मालिक।
हमद लिखो मुझे नवाज तू, हमद लिखो मुझे नवाज तू, काम मेरा है कारकाज तू, मुतमईन है उदासियों में भी, मुतमईन है उदासियों में भी, दिल मेरे है दिल उदास तू, दिल मेरे है दिल उदास तू, जानता है दिलों के रास्ते, जानता है दिलों के रास्ते, अल्लाह ताला हर किसी के दिल के राज जानता है। तो इस हमद बारे ताला के बाद अल्लाह ताला के महबूब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाते रसूल के लिए मैं नवी जमात के ताले तबस्सुम बाना अलीम खान ये तालिबा आकर नाते रसूल पेश करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सरिवर सब्ज गुंबद के कर रही हूँ ना, सरिवर सब्ज गुंबद देख कर सब तारी कल सब्ज गुंबद देख नाते रसूल हमारे इस नवी जमात की तालिबा शिरीन पेश कर रहे थे। तबस्सुम बानो अलीम खान, अब ये प्रोग्राम हम जो मना रहे हैं तो इसके क्या मकसद है, क्यों मनाते हैं हम? सिर्फ ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं कि 5 सितंबर आता है, बच्चे नए बच्चे टीचर बनते हैं और असातेजा तकरीर करते हैं, या आप में से कोई बच्चे आकर तकरीर करते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी ना की जाए बल्कि उसको अपने रोजमर्रा जिंदगी में अमल में लाया जाए। यही मकसद है टीचर डे मनाने का कि उस्ताद की इज्जत का दिन है ये, और हम कितनी इज्जत करते हैं ये सब आप लोग जानते हैं बेहतर। तो ये प्रोग्राम के मकासद बयान करने के लिए मैं हमारे स्कूल के एक काबिल टीचर जो इंग्लिश उर्दू हिंदी मराठी सभी जबानें बेहतर जानते हैं, मेरी मुराद रफीक सर से वो आए और इस प्रोग्राम के मकासद को बयान करें, जिसको देखकर जीने का अंदाज मिले, जिसको देखकर जीने का अंदाज मिले। मेरे मौला ऐसा भी तो इंसान बना, मेरे मौला तो ऐसा भी इंसान बना, तो है हमारे रफीक सर जिनको देखकर हमको जीने के अंदाज मिलते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम के मकासद बयान करें। साथी आजाद और मेरे प्यारे तालिबान, आज हम यहाँ किस लिए जमा हुए हैं, इसका मकसद क्या है ये बताने के लिए मैं आपके सामने पेश रहा हूँ। आज हमारे मुल्क के दूसरे राष्ट्रपति आजहानी डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है और 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु रियासत में, और हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया हिंद बनने से पहले वो एक उस्ताद
के फराइज अंजाम दे चुके थे, वो प्रोफेसर थे फिलोसॉफी के, गया एक टीचर ही थे वो, और टीचर से उनको बहुत लगाव और उनसे थी, और टीचरों के मसाइल को हल करने में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, और उन्होंने अपने ज़िंदगी में ये इस बात का ऐलान कर दिया था कि उनका जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाए, और उनका जन्मदिन जो है तो टीचरों के नाम से उन्होंने मौसूम कर दिया था, अपने आप को उन्होंने टीचरों के लिए वक्फ कर दिया था, अपना जन्मदिन भी वक्फ कर दिया था। तब से लेकर आज तक हम 5 सितंबर को योम असातिज़ा मनाते हैं, हर स्कूल में अपने अपने तौर पर ये प्रोग्राम लिया जाता है पूरे हिंदुस्तान लेवल पर, और इस दिन अपने अपने स्कूलों के असातिज़ा को आराम दिया जाता है, और उनकी जगह पर स्कूल के तलबा तालिबा उस्तादी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और इस तरह से ये जो है तो सिलसिला तब से लेकर चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा, और इस तरह से जो है ये उसकी गर्दगायत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर साल की तरह जो है तो इसके अंदर हिस्सा लेते रहेंगे, और इस वजह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा। बस इतना। प्रोग्राम के मकसद हमारे रफीक सर ने आप सबके सामने पेश किए। प्यारे तलबा तालिबात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब दो या दो से ज़्यादा मुसलमान एक जगह जमा हो तो अपनों में से अमीर चुन लिया करें। तो यहाँ पर तो काफ़ी तादाद में हम लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी हम अमीर चुनते हैं। तो हमारे 10वीं जमात के तालिब इल्म मुज़म्मिल से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आए और तहरीक के सदारत के लिए नाम पेश करें। आज के प्रोग्राम के सदारत के लिए मैं हमारे स्कूल के हेड मास्टर नूरुद्दीन सर को का नाम पेश करता हूँ। उनके दोस्त आकर उनकी तारीफ करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त ने सदारत के लिए जो नाम पेश किया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। आप हमारे स्कूल के हेड मास्टर शेख नूरुद्दीन सर सदारत की नशिश पर कायम है। अब जो सिलसिला शुरू होता है प्रोग्राम का वह है इस्तकबालिया प्रोग्राम। आप लोगों की तरफ से जो पैसा जमा किया गया, प्यारे तलबा तालिबात असातिज़ा का जो इज्जत अफजाई की जाती है वो खुद टीचर आपको पैसे देकर नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक जरिया पैदा किया गया है कि जो बच्चे असातिज़ा बने हैं नए तो हर एक ने 10-10 रुपये फीस दिए, उनके 10-10 रुपये, और सुपरवाइजर जो बने हैं मुज़म्मिल उन्होंने 100 रुपये, और जो हेडमास्टर बने हैं सोहेल काजी ये भी शायद 200 रुपये दे दें। तो इस तरीके से प्रोग्राम में जो पेन वगैरह का खर्चा है ये आप लोगों से इस तरह जमा किया गया, ना सिर्फ इनके तरफ से बल्कि पूरी स्कूल के बच्चों की तरफ से ये तोहफे जमा किए गए और आप लोगों की ही जाने से असातिज़ा को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर असातिज़ा का इस्तकबाल किसी हार या फूल से नहीं बल्कि कलम से किया जा रहा है, क्योंकि कलम ही असातिज़ा को यहाँ तक पहुँचाई है। कलम में वो ताकत है कि हमारे वतन हिंदुस्तान का जो कानून लिखा गया है वो भी कलम से लिखा गया है। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया कि ये लिख, तो कलम में जो लिखा है वो आज तक वही चलते चले आ रहा है। कलम ने जो लिखा है तो इसका मतलब ये है कि कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, जो कलम का इस्तेमाल करेंगे वो जिंदगी में तरक्की करेंगे। किसी शायर ने कलम की ताकत को यूं कहा है, कलम ने गीता और कुरान लिखे, कलम ने गीता और कुरान लिखे, कलम ने कितने ही दीवान लिखे, कलम सीधे चले तो जिंदगी है, कलम सीधे चले तो जिंदगी है, कलम उल्टा चले तो मौत भी है, कलम उल्टा चले तो मौत भी है। तो हम असातिज़ा का इस्तकबाल का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे स्कूल के हेड मास्टर और आज के प्रोग्राम के सदर हमारे शेख नूरुद्दीन सर, इनका इस्तकबाल 10वीं जमात के तालिब इल्म और आज का हेडमास्टर काजी सोहेल अहमद सलीमुद्दीन लाए और हमारे हेडमास्टर साहब और आज के सदर का इस्तकबाल करें। आप भी ताली बजाकर खुशी का इजहार कीजिए। और हमारे स्कूल के सुपरवाइजर हारून सर, इनकी तबीयत अलील होने की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए,
उनका भी जो इस्तकबाल है वो हमारे हेडमास्टर ही कबूल करे। आज के जो सुपरवाइजर बने हैं मुजम्मिल खान, वह हमारे हारून सर का जो तोहफा है हमारे हेडमास्टर के पास दे दे। इसी तरह गफ्फार सर, वो भी जो हमारे एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए जलगा हुए हैं इरफान, उनके साथ में गए हैं, उनकी जिम्मेदारी थी वहां तक ले जाना उनको। तो गफ्फार सर की गैर मौजूदगी में उनका जो तोहफा है हमारे स्कूल के हेडमास्टर पास ही दिया जाएगा। तो शाहिना परवीन, शेख सलीम ये तालिबा आए और गफ्फार सर का जो तोहफा है हमारे हेडमास्टर सर के पास दे दें। इनके बाद अलमास भी, नजीर खान, मिजबा, ये सब तैयार है। आप लोग जोरदार ताली बजाकर इस्तकबाल करें। अभी अलमास भी, नजीर खान, ये तालिबा आएंगे। प्यारे तलबा तालिबात, अब हमारे जो टीचर का नंबर आता है, कमाल सर तो लिस्ट में नहीं रहे, अल्लाह ताला के बुलाव पर वो दुनिया छोड़ चुके हैं। उनके बाद आते हमारे के आई सैयद यानी खलील सर। प्यारे तलबा तालिबात, मैं तारीफ तो नहीं कर सकता उनकी, क्योंकि मुंह पर तारीफ करना शायद झूठ भी हो सकता है। मैं पीछे भी बच्चों के सामने बात कहा कि जिस वक्त हम क्लास में पहुंचे कि इंग्लिश के पीरियड की जब बारी आई, बारी भी तो नहीं, जैसे कि कौन कौन टीचर बनना चाहता है तो इंग्लिश के टीचर बनने के लिए लड़ रहे थे। इसका मतलब कि कितनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हो कि कोई भी क्लास का बच्चा जो है तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए तैयार है। तो उनके लिए आप जोरदार ताली बजाए पहले, फिर हम आप इस्तकबाल करेंगे। अरे सर, हमारे बच्चों का तोहफा लेने के लिए तैयार हो जाए। अलमास भी, नजीर खान आए और हमारे खलील सर का इस्तकबाल करें। हमारे यूनुस सर, जिन्हें हम शेख सर के नाम से जानते हैं, उनका इस्तकबाल मिसबा अंजुम ने तालिबा करेंगे। आप लोग भी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर बच्चे से तोहफा कबूल करें। जब तक तोहफा ना लें आप अपने तालियों की धुन जारी रखें। देखिए आप को यहाँ पर कुछ पैसा खर्च करना नहीं है, सिर्फ और दोनों हाथ पे एक दूसरे से मिलाना है कुवत लगाकर। और उसके बाद मिसबा नुजर जहां कई उठाए तालिबा तैयार रहे। हमारे साइंस टीचर हबीब सर, इनका इस्तकबाल किया जाएगा। प्यारे तलबा तालिबा, कनीज फातिमा, हमारे महमूद सर, इनका इस्तकबाल करने के लिए आ रहे हैं। साजिया निगार, शेख कलीमुद्दीन, इनके बाद फरजीन परवीन, शेख यूसुफ, हमारे शफीउद्दीन सर, इनका इस्तकबाल साजिया निगार करेंगे। आप भी जोरदार तालियां बजाते रहिए। बेटा, ये आज का दिन असातिज़ा के नाम पर रहता है, उनका इस्तकबाल के लिए पता नहीं कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। टीचर ही वो शख्सियत है जो हर किसी को पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं। हमारे रफीक सर, इनका इस्तकबाल फरजीन परवीन, शेख यूसुफ करेंगे। नूर अहमद सर, जलाल अहमद, यूसुफ सर, ये नूर अली सर का कर देते। हमारे नूर अली सर, इनका इस्तकबाल सुरैया भी, शरीफ खान, ये तालिबा करेंगे। आइए आप। अकबर जहां, सैयद खलील, ये तालिबा यूसुफ सर का इस्तकबाल करेंगे। तालियां बजाइए आप, बंदे से रख दीजिए। शफी सर का इस्तकबाल अलमास भी, शेख अजीज करेंगे। शफी सर,
जोरदार तालियों से संकल्प कीजिए आप, क्योंकि हमारे प्रधान के लिए रवा रहते हैं हमेशा हर साल की तरह बहुत ही मेहनत करते हैं। नौ मेंबर सर तशरीफ ला रहे हैं, इनका इस्तकबाल सुल्तानाबाद से खाली ये तालिबान करेंगे। देखो जिस वक्त इस्तकबाल कर रहा है उस वक्त कंडीशन अप करना आपने। हमारे सौदा मैडम का इस्तकबाल तस्लीम बानो काजी शकीलुद्दीन ये तालिबा करेंगे। बड़े यहाँ पर जो हमारे शमी मैडम नए आए हुए हैं उन वो प्रोग्राम में अव्वल गए हुए, जैसे कि यहाँ पर जब यहाँ पर से कोई टीचर अगर बदली होकर वहाँ जाए तो आप लोग कितनी याद करेंगे उनकी, जैसे कि आपको फिरोज सर की शायद कमी महसूस हो रही होंगी, तो वैसे उनकी कमी वहाँ महसूस हो रही थी। उन्होंने दावत देकर उनको बुलाया इसलिए वहाँ पर गए हुए शमीम मैडम, तो उनका भी जो हम इस्तकबाल कर रहे हैं सईदा मैडम उनका तोहफा कबूल करें। सना पोली नफी खान ये तोहफा देंगे, शमीम मैडम का तोहफा सईदा मैडम कबूल करें। आफरीन निशा भी अनिस बेग के तालिबा तैयार रहे और इधर से नसीर मैडम का इस्तकबाल किया जाएंगे। सुमैया भी अब्दुल वहाब ये तालिबा तानेदा मैडम का इस्तकबाल करेंगे। देखिए खासतौर से पांचवी छठी साथी वाले कानिना मैडम का इस्तकबाल हो रहा है, ध्यान दीजिए आप जरा। और हमारे दोनों क्लर्क साहिबान उनसे भी गुजारिश की जाती है कि नीचे तशरीफ लाए। इकराम सर इनका इस्तकबाल शाकिर अभी अयुब खान ये तालिबा करेंगे। हमारे अजीजुल्ला खान सर जो हमारी सोसाइटी ने हिंदी मराठी हमको लिखना पढ़ना सीखने और समझने के लिए भेजे हैं उनका भी हम इस्तकबाल करेंगे। उनका इस्तकबाल समरीन बानो मोहम्मद फारूक नाजमिन बानो शेख इस्माइल ये तालिबा करेंगे। देखिए बेटा हमारे नए साथियों का इन पर आपका असर पड़ना चाहिए। इसी तरह हमारे मैडम की तबीयत खराब होने पर हमारी मदद करने वाले उस्ताद मेरी मुराद नईम सर से है उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। उनका इस्तकबाल हमारे आसमा भी जाबिर खान ये तालिबा करेंगे। आप भी हमारे नए असातिज़ा का ताली बजाकर इस्तकबाल कीजिए। देखिए रहीम हमारे सीनियर कलर मौजूद नहीं है, पहले फिर हम जूनियर कलर जो हमारे नईम खान सर इनका इस्तकबाल करते हैं। अलमाज भी तौफीक अली ये तालिबा आए और हमारे नईम सर का इस्तकबाल करें। नईम खान सर जो हमारे क्लर्क है आपके एडमिशन तो यही करते हैं, इनको बोलना नहीं चाहिए। देखिए हमारे सीनियर कलर उनका भी तोहफा है नहीं सर कबूल करें तो शेख आबिद शेख मुख्तार तालिब इल्म रहमान सर का इस्तकबाल करेंगे। रहमान सर का तोहफा नहीं सर कबूल करें आपको ताली बजाकर खुशी का इजहार कीजिए। मुश्ताक भाई नजमुद्दीन दादा सादिक सर जमील भाई लाला भाई रफीक भाई ये भी, इसके अलावा अगर जो कोई
ये तोहफा सबके सब ग्रुप की शक्ल में था, आप सबके जाने से ये हमारे असातिज़ा को दिया जा चुका है। अगर कोई इंडिविजुअल देना चाहते हैं तो वैसे बच्चे भी हमारे पास मौजूद है। नजमुद्दीन दादा, इनका इस्तकबाल सुरैया बी शेख मुजफ्फर ये तालिबा करेंगे। आइए देखिए, आप आपका प्रैक्टिकल कराने में इनको याद है सब। रफीक भाई का इस्तकबाल सबात कौसर सैयद जाकिर करेंगे। देखिए बेटा, मैंने किसी का नाम कहीं पर ऐसे नहीं लिस्ट में जैसा तरतीब दिया हुआ था, जैसे आप टीचर बने वैसा लिखा गया है। कोई ऐसा भी कोई पसंद की बात ही नहीं है। बाकी जो हमारे बच्चे रफीक भाई, लाला भाई, जमील भाई और सादिक सर, इनका जो तोहफा है हमारे हेडमास्टर पास दे दिया जाएगा। जो इंडिविजुअल देना चाहते हैं वैसे बच्चे यहाँ पर आकर अपने असातिज़ा का इस्तकबाल कर सकते हैं। वह सबसे पहले शहर वानो यहाँ पर आएंगे और अपने असातिज़ा का इस्तकबाल करेंगे। ये बच्ची ने अपने तीन असातिज़ा को तोहफा अपनी तरफ से देना चाहती है। सबसे पहले वह उनके क्लास टीचर कानिता मैडम को अपना तोहफा देकर अपना अकीदत पेश कर रहे हैं। आप लोग भी इस बच्ची की हौसला अफजाई कीजिए। ताली तो भेजना चाहिएगा। इसी तरह उनके जो फेवरेट टीचर है, हर एक के अपने अपना फेवरेट रहते हैं, फेवरेट स्टार है, तो स्कूल के अंदर उनके जो फेवरेट टीचर है वो नूरअली सर है। तो ये बच्ची अपने फेवरेट टीचर को भी तोहफा देना चाहते हैं, उनको अकीदत के तौर पर अपील दे रहे हैं। नूरअली सर से गुजारिश करनी है कि वो तोहफा कबूल करें। और तीसरा जो तोहफा देना चाहते हैं वो उनके इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर की क्या है, थोड़ा इंग्लिश में उनकी ज्यादा दिलचस्पी है और शायद वो इंग्लिश में तकरीर भी करना चाहेंगे। इसके लिए उन्होंने रफीक सर को इंग्लिश टीचर के हिसाब से तोहफा देना चाहते हैं। आप लोग की ताली बजाकर और कोई देना चाहते हैं इधर से? वसम रजा, ये अपने इन्होंने भी तीन असातिज़ा को देने की सोचे है। सबसे पहले ये भी अपने क्लास टीचर को तोहफा देना चाहते हैं। और क्लास टीचर उनके कौन है? क्लास टीचर के बाद इनके जो फेवरेट टीचर है, तो इनके फेवरेट टीचर है नूर मोहम्मद सर। पिछले साल जब टीचर थे वो शहर वालों के लिए, और तीसरे टीचर के भाई हमारे स्कूल को मुसीबत में संभालने वाले, हर तकलीफ परेशानी में हमारी मदद करने वाले हमारे हेडमास्टर साहब, सर उनको देना चाहते हैं। यहाँ पर इसके पालिया जो प्रोग्राम था खत्म हो जाता है। अब जो है तो तकरीर का सिलसिला शुरू होगा। आगे लगे तो देखिए, आप लोगों के जो ख्यालात है असातिज़ा के मुतालिक और क्या आपने तजुर्बा पाए हैं, थोड़ा वक्त दिया आप, और जो क्या बोलना चाहते हैं बच्चे उस पर गौर से सुने। ये जो बात है जो असातिज़ा कहना चाहिए लेकिन एक तालिब इल्म क्या महसूस करता है वो आपके सामने पेश करेंगे तकरीर के अंदर। तो वसीम रजा सातवीं जमात के तालिब इल्म आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप बगौर समाप्त फरमाएं। आदित शुरू जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। काबिले सब एहतराम तुरे जलसा, मेरे बेरा सत इकराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम।
मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के खाना के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज हम लोग यमुना साथीजा मना रहे हैं। आज के दिन काबिल और हमारे साथीजा को गवर्नमेंट की जानिब से इनाम और खिताबा से नवाजा जाता है, जो उनके मेहनत मुशक्कत की बदौलत उन्हें मिलती है। साथीजा किसी इनाम और खिताबत की लालच के तहत हम पर हमला नहीं करते, बल्कि अपना फर्ज समझ कर नाहिल को काबिल जाहिल को आलिम मना देते हैं। हम उन्हें इनामत देकर उनके फर्ज की बराबरी तो नहीं कर सकते, बल्कि उनके एजाज में एहतराम में कुछ तोहफे देते और अपनी अकीदत पेश करते। दुनिया की तारीख गवाही के लिए तालिब इल्म तरक्की करते हैं, जो अपने असातिज़े की फरमा बजा हुआ करते थे। जरा हम अपना मां सभा करें कि हम अपने असातिज़े का एहतराम करते हैं, जैसा करना चाहिए हम उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देते हैं। दुनिया की दौलत और शोहरत हासिल हो जाने के बाद असातिज़े को अपने से कम तो समझते हैं, भला बड़ा की समझ सकता है। जो अपने बड़ों का एहतराम न करे उन्हें छोटे समझे। मैं इस मौके पर सभी भाई और बहनों को एक दिलाना चाहूंगा कि हम कभी भी याद करेंगे वालिदैन असातिज़ा और बड़ों का एहतराम करते रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। मैं अपनी तकलीफ इस शेर पर खत्म करना चाहूंगा। वक्त के खलीफा बन भी जाए तो, वक्त के खलीफा बन भी जाए तो, एहतराम उस्ताद बजा लाया कीजिए, एहतराम उस्ताद बजा लाया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वसीम रजा अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये बातें आपने सुनी कि आप ही को आपके जमीर को झिंझोड़ा गया है। आप तकरीर सिर्फ कि भाई कोई आकर बोल रहा है ऐसा मत कीजिए, एक एक लफ्ज को अच्छे से सुनिए। कोई ना कोई तालिब इल्म तालिबा कुछ ना कुछ आपको सबक जरूर दे जाएंगे। सालिया फिरदौस हारून खान आठवीं भी जमात की तालिबा यहां पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अगर जब भी यहां से वापस जाए तो आप ताली बजाकर उनका हौसला जरूर बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, असातेजा अस्सलाम वालेकुम। मैं इस तकरीर को एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। ये वो जगह है जहाँ ताहिरान बेपरको, ये वो जगह है जहाँ ताहिरान बेपरको बुलंद हवाओं में उड़ना सिखाया जाता है। आज हमारी स्कूल में टीचर डे का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसी ताल्लुक से मैं सबसे पहले अपनी जानिब से और सभी तुलबा और तालिबात ताल्लुक से मैं तुलबा और तालिबात की जानिब से हमारे तमाम मौजूद और मोतेबार असातिज़ा हजरात की खिदमत में ये शेर अर्ज करना चाहती हूँ। हमारी भी एक मजबूरी है, आपकी सरपरस्ती जरूरी है। हमारी भी एक मजबूरी है, आपकी सरपरस्ती भी जरूरी है। तुम्हारे दम से है बजम की रौनक, वरना ये सारी महफिल अधूरी है। आज के टीचर्स डे के मौके पर मेरी तकरीर का उन्वान यह शेर है, जो टीचर्स हजरात के मेहनत की भरपूर अक्कासी करता है। हम तो इंसान है, पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। हम तो इंसान है, पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि उसको भी सलीके से तराशा जाए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें शक नहीं कि हमारे टीचर्स हजरात बड़ी मेहनत व मुशक्कत से हमें पढ़ाते हैं। दरमियान में अगर कोई सवाल दरपेश आए तो वह अपनी इल्मी सलाहियत से हमारी तरबियत फरमा के सारी मुश्किलात को हल कर देते हैं। इल्म के साथ साथ वह हम में अखलाकियत व इंसानियत का शऊर भी करते हैं। बकुल शायर इनकी तो ये मिसाल है जैसे घना दरख्त, इनकी तो ये मिसाल है जैसे घना दरख्त, औरों को छाव बख्श के खुद धूप में जाने। लेकिन गौर और फिक्र करने का मुकाम यह है कि क्या हम अपने टीचर्स हजरात की मेहनतों का सिला दे रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है। मेरे कहने का मकसद यह है कि इन्हें मेहनत के बदले में दौलत या शोहरत दी जाए, बल्कि हमें दिल लगाकर पढ़ाई करना चाहिए और अपने टीचर्स हजरात जिनसे हम इल्म सीखते हैं उनकी वालिदैन की तरह इज्जत करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्तों पर अमल करना चाहिए। हमारे असातिज़ा हजरात ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम अच्छे और बुरे की तमीज कर सके और खड़े होकर अपने ख्याल का इजहार कर सके। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमारे टीचर्स हजरात के जहन को हमेशा सलामत रखे और उन्हें तमाम परेशानियों और तनावों से अब मैं इस तकरीर को खत्म करना चाहती हूँ। तालीम के जेवर से जो लोग सजे हैं, तालीम के जेवर से जो लोग सजे हैं, सजे हैं वो जिला सोशल करना दीजिए। आदि जवाब की तरह इसी तरह
नाजमीन जी से गिराज की नवी भी जमात के तालिबा ने भी अपने तालिबा का इजहार उर्दू में कर दिया। ठीक है बेटा, 20-30 मिनट की बात है इंशाल्लाह लेकिन असातिज़ा के मुताबिक आपके क्या ख्याल है, आपको सुनने के लिए राम और मेरे प्यारे साथी और सलाम वालेकुम। आज हम यौम असातिज़ा मनाने के लिए जमा हुए हैं। 5 सितंबर को हम साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्मदिन को बतौर यौम असातिज़ा मनाते हैं। असातिज़ा की शख्सियत बड़ी अहमियत की हामिल होती है। अगर कोई शख्स तरक्की करके किसी तरह साइज होता है तो ये उस्ताद की बदौलत है। अगर कोई तालिबे पर उस्ताद को उस्ताद तवज्जो ना दे तो वो रहे रास्ते से गाफिल भी हो सकता है। उस्ताद का मतलब वालिदैन के मतलब के बराबर है। सिकंदर आजम का कहना था तो मुझे मेरे वालिदैन ने आसमान से जमीन पर लाया मगर मेरे उस्ताद ने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया। इस तरह असातिज़ा का किरदार तुलबा की जिंदगी को बदल देता है। मैं अपने यही कहना चाहती हूँ कि माँ जन्नत है तो बाप दरवाजा है जन्नत का। उस्ताद भी कुछ कम नहीं है, बल है वो जन्नत के खुदा। अभी हमने 3 तकरीर सुने वो सब उर्दू में थी और एक तकरीर जो सुनेंगे हम है इंग्लिश में। तो 6th जमात के तालिबा शहर बानो को यहाँ पर आके अपना चैलेंज कर रहा है इंग्लिश में करेंगे। ऑन टेबल प्रेसिडेंट ऑफ दिस फंक्शन रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। I want to express my thanks to the people of you on the occasion of Teacher Day. All of you, honorable president of this function, respected teachers and my dear brother and sister, assalamu alaikum. I want to express my thanks briefly before you on the occasion of Teacher Day. All of you know that why we are gather here together. Today is the birthday Dr. Radhakrishnan, the second President of India. Before becoming the President of India, he was a professor. So he advised that his birthday should be celebrated as Teacher Day. Since that, his birthday is celebrated as Teacher Day. He was very honest and disciplined person. There was a great respect for the teacher. In his heart, he cannot imagine it. Though he was President of India, his lifestyle was very simple. Today, I pay homage to him for services, for his simplicity and honesty. The nation will never forget his services. Here, I finish my words and occupy my seat. Thanks. ये कोई मसलियत होंगी अल्लाह ताला की। वो क्या है कि हमारे शायर मिर्जा गालिब साहब उनके शेर जैसा हुआ है कि बकरा वो जो में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, तो इंग्लिश में क्या क्या बोले हमको समझ में आने वाला ही नहीं था पहले, पर बोल दिया उन्होंने। अलमाज बाना तौफीक अली ये तालिबा है और कुरान की बहुत सी मालूमात जो हमको नहीं मालूम है वो पेश करेंगे हम। आप खामोशी इख्तियार कीजिए और जगह पर सुकून से बैठिए। आप मैं अपनी तकरीर इस शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहे तेरे है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इल्म के साथ साथ दुनियाती बातें भी और हमारी आखिरत को सुधारे। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद 23 साल नाजिल हुआ। हर
हर मुसलमान पर फर्ज है कि कुरान मजीद की तिलावत करे और नमाजें पढ़े। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मैं जो बोलने जा रही हूँ आप लोग उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान करीम है। कुरान करीम में इस जहाज की वो नेमत बेबहा है कि सारे जहाज आसमान और जमीन और उनमें पैदा होने वाली मखलूकात इसके बदल नहीं बन सकती। कुरान करीम को सख्त लफ्जों के साथ पढ़ने और औलाद को पढ़ाने की कोशिश करें और फिर जिस कदर मुमकिन हो उसके मायने और अहकाम को समझे और उन पर अमल करने की फिक्र में लगे रहे। आप और इसको आप इस और इसको अपनी पूरी उम्र का वजीफा बनाए और हौसले और हिम्मत के मुताबिक इसका जो हिस्सा भी नसीहत हो जाए इसको इस जहाज की सबसे बड़ी नेमत समझे। कुरान मजीद में अल्लाह का जिक्र 2697 बार आया है। कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 से ज्यादा बार आई है। कुरान मजीद में नमाज की ताकीद 700 बार आई है। कुरान मजीद में ज़कात की ताकीद 150 से ज्यादा बार आई है। औरतों के लिए पर्दे के अहकाम सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में आए हैं। कुरान मजीद में उर्स कुरान सूरह रहमान को कहा गया है। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। कुरान मजीद में कयामत का जिक्र 692 मरतबा आया है। मैं इस शेर से अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। कहने के लिए बात तो आसान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा ईमान बहुत है। दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। ताली लगाकर आप बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। कुरान की बहुत से मालूमात अलमास ने हमारे सामने पेश किए जो शायद हमने सुने भी नहीं थे। अभी हमारे सामने कनिष्क फातिमा इमदाद अली 10वीं जमात के तालिबा आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और एक ऐलान आपके सामने कि पिछले साल आपने अंधे बच्चों के इमदाद के लिए जो कलेक्शन किया था, पैसा जमा किया था, हमारे मास्टर साहब ने कहा था कि अगर जिसने 100 रुपए से ज्यादा जमा किया उसको वो एसोसिएशन है जो तंजीम है वो अपने तरफ से सनद सर्टिफिकेट देंगे, तो आपको ये तकारीर के बाद मिलने वाला है जिन्होंने 100 रुपए से ज्यादा जमा किए थे। अभी आप कनिष्क फातिमा की तकरीर समाप्त करना है। जनाबे सदर मौलवी सामईन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सातिजा यानी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन डॉक्टर राधाकृष्ण पैदा हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्ण जो कि बेहतरीन रहबर प्रोफेसर और साबिक लीडर गुजरे हैं। किसी शायर ने राजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में क्या खूब शेर कहा था, सूरज जिंदगी की रस को छोड़ जाऊंगा, सूरज जिंदगी की रस को छोड़ जाऊंगा, मैं डूब गया छोड़ जाऊंगा। ये दिन ना सिर्फ फातिमा इकराम के लिए बल्कि हिंदुस्तान भर के तुलबा और तालिबात के लिए बड़ी ही कद्र मंजिलत का दिन है। इल्म मौलिम और तालिब इल्म ये तीनों एक दूसरे की मजबूत कड़ियां है। जहालत का इरफान इल्म कहलाता है, यानी जो चीज हम नहीं जानते उसे जान लेने का नाम इल्म है। जिस तरह एक नाबीना शख्स के लिए लाठी जितनी जरूरी होती है, इसी तरह एक आम इंसान के लिए इल्म है। इल्म कायनाते खुदावंदी का अनमोल और गिराकद्र तोहफा है। इल्म जानवर और इंसान में तमीज की एक मजबूत कड़ी है। इल्म अंबिया की मीराश है कि इसी इल्म से आरास्ता होने के बाद इंसान को अपने रब की मारेफत हासिल होती है और मौलिम इसी इल्म से तालिब इल्म को आरास्ता पैरास्ता कराता है। मौलिम जालत और गुमराही में भटकती हुई कौम को इल्म के नूर से मुनव्वर करता है और तालिब इल्म के हाथ में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बसूरत कलम दे देता है कि दस्त मासूम को वो लूह कलम देता है, दस्त मासूम को वो लूह कलम देता है, नौ निहालों को कंदील हरम देता है। रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तारीख उठाकर देखिए, दुनिया के हर मजहब और हर कौम में असातिज़ा इकराम के इकराम की ताकीद आई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद के इकराम की ताकीद फरमाते थे। अरस्तु, दारुण आचार्य और सकरात जैसे उस्ताद हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए, साथ ही साथ अर्जुन और सिकंदर जैसे होशियार और फरमाबरदार तालिब इल्मों से तारीख भरी पड़ी है जो कि उस्तादिज़ा इकराम के कहने पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। क्योंकि अगर सिकंदर को अरस्तु न मिला होता तो वो कुएं की मेंढक ही बना रहता और यूनान ही को पूरी दुनिया तसव्वुर कर लेता। दारुण आचार्य
मुझे जमीन की गहराई से आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया और आज भी यही सिलसिला जारी है कि हमारे आसातिज़ा इकराम हमें बड़ी ही मेहनत और खून जिगर सर्व करके पढ़ाते हैं और हमारे में अदब इल्म और सलीका सिखाते हैं। हमारे टीचरों की मेहनत और लगन देखकर हमारे आसातिज़ा इकराम की मेहनत और लगन देखकर तंग भी कह उठे, काश मैं आपका शागिर्द होता। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूँ कि वो हमारे आसातिज़ा इकराम को दोनों जहां में कामयाब रखे और सेहत दे। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। खुदा ये फातिमा जो अपने हालात का इजहार कर रहे थे और अपने उस्ताद की तारीफ, मतलब उस्ताद किस तरह मेहनत करते हैं और किस तरह अपने मकाम पर पहुंचते हैं तकरीर, और अभी हमारी तीन बाकी है तो दरमियान में आपका थोड़ा मोड़ बदलने के लिए, दरमियान में जैसे कि ब्रेक आता है तो ब्रेक में एडवर्टाइज आती है तो एडवर्टाइज यहाँ पर हजल के सूरत में हमारे रिजवाना बी शेख शकुरुद्दीन ये तालिब आकर हजल पेश करेंगे। आप इनसे फैजियाब हो और थोड़ी हंसी मजाक कीजिए। ये लड़के जब से यहाँ पर आए हैं, जब से हर साल उनकी तरफ से कोई ना कोई नई हजल पेश करते हैं और सेंडाफ के टाइम में पता नहीं रोते रोते हंसाएंगे या कि नहीं, देखना है। अस्सलाम वालेकुम। कुरान की तिलावत से आगाज महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज महफिल का, इस रास्ते पा जाए रास्ता मंजिल का। पढ़ो ना पढ़ लो ना, लिखो ना लिख लो ना, तुमने ये जाना स्कूल को माना, रोजाना आना बन के दिखाना, अच्छे इंसान बन जाओ तुम। Thank you.
हाफिजा हजरत तुलबा में इल्म की रोशनी के साथ साथ अखला को किरदार हमदर्दी खरखयाली वफादारी और खासदारी जैसी कैफियत पैदा करते हैं ताकि तुलबा माशरे में अपनी जिंदगी को रोशन को खुशगवार बना सके। इसलिए वो हमारी तालीम और तरबियत पर काफी तवज्जो देते हैं और इल्म का सरमाया हम तक पहुंचाते हैं। इस शेर के साथ के आए जाती है बेचैनी से इस प्रोग्राम को सुनने समझा है। आप खामोशी इख्तियार कीजिए कि तस्लीम के बाद जो हमारे आज के नए हेडमास्टर उनकी तकरीर है, फिर उनके बाद हमारे खुद के ओरिजिनल हेडमास्टर की तकरीर है। आप जानते हैं हिंदुस्तान के सबसे सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्ण 5 सितंबर को पैदा हुए। राधा कृष्ण पेशे से मुदर्रिस थे और तरक्की की मंजिलें तय करते हुए मुल्क के सबसे आला और पूर्वकार अहदे पर पहुंचे थे। इसलिए हर साल राधा कृष्ण का यौम पैदाइश यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। यौम असातिज़ा के मौके पर मुझे टीचर बनने का मौका मिला। वो हमारे स्कूल के टीचर हेडमास्टर साहब मुरद्दी सर की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें टीचर बनने का मौका दिया। टीचर बनने के साथ साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ टीचर किस अजीब हस्ती का नाम है। आप एक संतराज पत्थर को काट कर मूर्ति बनाता है। इसी तरह टीचर अपने तालिबे इल्म को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, करने के काबिल बनाते हैं। कुमार मट्टी का मटका जिस गहराई से बनाता है वैसे ही उस्ताद हमें अच्छी और बुराई में फर्क बताते हैं। आज इनकी जगह पर खड़े होकर दो लफ्ज कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि टीचर की अहमियत क्या होती है। इनकी जगह हमारे लेने के बस की बात नहीं। जब टीचर को हम गले समझते थे उन्हीं टीचर ने आज हमें पढ़ा कर लिखा कर मेहनत करके SSC इम्तिहान देने के काबिल बनाया और हमें पता भी नहीं चला कि हम किस मोड़ पर आकर खड़े हैं। टीचर ने पढ़ा कर लिखा कर मार कर डांट कर और प्यार से हमें इस काबिल बनाया कि हम आसमान की बुलंदी छू सके। इसलिए स्कूल के हेडमास्टर साहब और बाकी टीचर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो नादानी समझ कर माफ कर दे। ये शेर कहकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल पे फिरोजा होती है उस लब का तबस्सुम हीरा है उस आग का आंसू होती है। प्यारे तुलबा तालिबात, आज के टीचर डे के दिन जो स्कूल का कंट्रोल संभालने वाले तालिब इल्म और आज के हेडमास्टर सुनील काजी वो आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप बगैर सम्मान फरमाएं, फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे और फिर हमारे हेडमास्टर की तकरीर होंगी। काबिल सदर एहतराम सदर जलसा मेरे असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे भाई और बहनों अस्सलाम वालेकुम। यौम असातिज़ा के मौके पर मुझे स्कूल का हेडमास्टर बनने का मौका मिला, लेकिन एक दिन में सिर्फ 4 पीरियड की जिम्मेदारी टीचर के जरिए लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। आज के दिन से पहले मुझे ये लगता था कि उस्ताद असातिज़ा स्कूल आते हैं थोड़ा वक्त हर क्लास में देकर घर वापस लौट जाते हैं, लेकिन ये मेरी गलत सोच थी। स्कूल में बच्चों के सामने खड़े रहकर उनके अच्छे अखलाक की हिदायत देना भी मुश्किल काम है, क्योंकि पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है और हेडमास्टर की जिम्मेदारी तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं इसकी अहमियत के ताल्लुक से यही कहना चाहूँगा कि हेडमास्टरशिप तो नूरुद्दीन सर ही करना जाने किसी दूसरे के बस की बात नहीं। खुदा हाफिज़।
देखिए उन्होंने मुख्तसर से हेज मास्टर की डेफिनेशन कर दी है कि हेज मास्टर से अगर करना जाने तो नूरुद्दीन सर ही करना जाने, तो खुतबा सदारत बाद में होंगी, उससे पहले आपके जो सर्टिफिकेट पिछले साल जब आप पिछली जमातों में थे उस जमात का आपको क्लास का नाम डाल के दिया गया हुआ है। तो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यानी अंधे बच्चों की, यानी जो आप लोगों ने पैसा जमा किया, आपने ये नहीं सोचा कि वो हिंदू के बच्चे हैं, मुसलमान के बच्चे, सिख के बच्चे, ईसाई के बच्चे हैं, आपने सिर्फ उनकी माजूरियत को देखे कि वो आंखों के अंधे हैं, वैसे बच्चों की आपने मदद की है। और जिन बच्चों ने 100 रुपए से ज्यादा पैसे जमा किए थे तो उस एसोसिएशन ने आप लोगों को सदस्य बख्शा है। तो सबसे पहले अल्फी अभी नजर खान, ये पिछले साल साथी भी थे, ये आकर हमारे नौ दिन से ये आप इनके ताले बजा कर हौसला अफजा है कि इस बच्चे ने 100 रुपए से ज्यादा जमा करके दिए थे। हम साले अभी अरुण खान, ये भी साथी भी मेरे पिछले साल, आप भी ताले बजाकर इन बच्चों को हौसला अफजा करो बेटा। गुलनाज बाना तौफीक अली, ये बच्ची पिछले साल छठी बी में थे, अभी साथी बी में है। मैं जबीन शेख अशफाक, ये भी छठी बी जमात में थे पिछले साल, इस बच्ची ने भी 100 रुपए से जाए, इस बच्चे ने तो 500 रुपए तक के पैसे जमा करके दिए थे। सायना भी शेख फरीद, ये छठी क्लास में बच्चे हो गया। सुमैया भी शेख फरीद, क्लास के लड़के हो गए, जैन आप आपके लेके चल रहे, जैन आ जाए आप जल्दी से। सुमैया दे के बदले ये ले रहे जमीन। गजाना परवीन शेख सफीउद्दीन, ये बच्ची पिछले साल साथी भी में थे, ये इन्होंने भी 100 रुपए से जायद कलेक्शन करके दिए थे ना बिना बच्चों के लिए, आप भी ताली बजाकर इनके हौसला अफजा कीजिए। सानिया परवीन अयूब खान, ये भी सातवीं बी में थे पिछले साल, इस साल अभी आठवीं बी में है। राजे भी शेख रोशन, ये पिछले साल आठवीं बी में थे तालिबा, इन्होंने भी 100 रुपए से जायद कलेक्शन दिए थे, तो उन्हें भी समय से बख्शा जा रहा है। सुमैया परवीन अब्दुल वहाब, ये नवीं बी में थे पिछले साल, ये तालिबा जो आज टीचर भी बने थे। हमारे मास्टर साहब का मोबाइल पर बात कर रहे हैं। प्यारे तलबा तालिबात, युवा इसातेज़ा का ये जो मौका 5 सितंबर, यानी हम में से कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है कुछ नहीं है, पिछले साल हमारे दरमियान में कमाल सर भी थे, जैनब मैडम भी थे, ये दो लोग तो दुनिया पानी से कोच कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल और हमारे प्रोफेसर भी नहीं थे, पर बदली होकर यावल चले गए। तो ये दुनिया जो है तो तगीर है, मैंने पहले भी कहा था कि बदलाव है, पता नहीं कि अगला 5 सितंबर में क्या होता है, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप